जी नवीन सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, खबर आपके कानों में भी गई होगी कि अब बात हो रही है आंदोलन की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आंदोलन की बात कर कौन रहा है और क्यों आंदोलन की बात हो रही है? जैसे सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन क्यों और इसकी जरूरत क्यों जी, और कौन कर रहा है? और आप इस चीज को देखे होंगे कि जब भी हम आपको इंटरव्यू दिए हैं या दूसरे चैनल को दिए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के संदर्भ में, हमेशा एक बात को हम सबसे पहले रखे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लगातार, और इसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है उसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि यही दो ऐसा कारण है जिस कारण से लगभग 25% सीट या उससे ज्यादा ही हर बार वैकेंट रह जा रही है। टीआरई वन में वैकेंट रह गई, 1,70,000 वैकेंसी में मात्र लाख वैकेंसी के समकक्ष कह सकते हैं पूरी तरीके से भरा गया, वही स्थिति टीआरई टू में भी देखा गया है और टीआरई थ्री में भी 87,000 समथिंग वैकेंसी जो है, और उसमें यूं मानिए कि अगर ये दोनों चीज इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो 25,000 प्लस वैकेंसी खाली रह जाएंगी, 25,000 प्लस वैकेंसी खाली रह जाएंगी, क्योंकि मल्टीपल कैंडिडेट लगभग 1,00,000 के करीब, थोड़ा सा कम या ज्यादा मल्टीपल कैंडिडेट हैं जो कि एक ही छात्र एक से अधिक पोस्ट के लिए भरे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें बहुत सारे ऐसे मेधावी छात्र हैं कि उनका दो जगह फाइनल हो जाएगा, तीन जगह फाइनल हो जाएगा, कुछ ऐसे छात्र हैं कि चारों जगह फाइनल हो सकता है क्योंकि वो बीएड और डीएलएड दोनों कर रखे हैं। तो सवाल वैसा इसमें है कि जब आप ज्वाइन एक जगह करेंगे तो तीन सीट वैकेंट क्यों रह जाएगी? तो पहले तो बीपीएससी को या जो शिक्षा विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग जो भी इसके लिए उत्तरदायी है, उनको ये आश्वासन छात्रों को देना चाहिए कि जब हम 87,700 वैकेंसी हम निकाले हैं तो पूरी वैकेंसी को हम फिल करेंगे, और छात्र भी यही चाह रहे हैं। इसके लिए आज तो छात्र नेता दिलीप ने बड़ा वीडियो, उसी बात पर हम आ रहे हैं, तो हम पहले इसके बेस पर हम चर्चा कर लें, हालांकि ये सारी बातें सारे छात्र जान रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप 50% वेटिंग का प्रावधान रखते, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ वेरिफिकेशन करते, डायरेक्ट सीट को लॉक करते चले जाते, तो निसंदेह आप पूरी सीट को भर पाते, लेकिन अभी जो आपका प्रोसेस है इससे पूरी सीटें भरेंगी नहीं और खाली रह जाएंगी इतनी सारी सीटें। तो अब सवाल ये उठता है कि आज छात्र नेता दिलीप जी का एक वीडियो हम देख रहे थे कि 12 तारीख को 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के पास सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो भी इस तरह की चाहत रखते हों, जिनको भी लगता है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए, वहां जमा हो और हम शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी से इस मैटर को लेकर के बात करेंगे, या संबंधित निकाय से इस मैटर को लेकर के बात करेंगे। बात बिल्कुल वाजिब है कि कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए, और छात्र नेतृत्व कर रहे हैं दिलीप जी, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए करके ये ऐसी मांग है, इस मांग पर तमाम छात्र या तमाम छात्र समूह जरूर इस पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सब इस बात को चाह रहे हैं और ऐसा होना चाहिए निश्चित रूप से, ऐसा होना चाहिए और सब ये चाह रहे हैं निश्चित रूप से चाह रहे हैं। लेकिन नवीन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है, वाकई में आपको लगता है कि आंदोलन से समस्या का समाधान हो सकता है? सवाल ये उठता है कि अभी बिहार के संदर्भ में देखें तो ऐसे डायरेक्ट कोई बात पता नहीं, सरकार समझ नहीं पाती है। अच्छा। दूसरा, कई तरह के माध्यम हो सकते हैं सरकार तक अपनी बातों को रखने का। क्या सरकार को ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि जो प्रोसेस वो अपनाए हुए हैं इस प्रोसेस से पूरी सीटें नहीं भरेंगी, उनको सब पता है। लेकिन होता क्या है कि एक दबाव समूह, जैसे अगर छात्र अपनी बातों को समझाना चाह रहे हैं, अगर एक जगह उतने छात्र गैदर होते हैं, अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तो सरकार को भी समझ में आएगा कि आखिर ये छात्र इतनी संख्या में क्यों इस जगह जमा हुए हैं। तो हमको लगता है कि ये जो भी हो रहा है एक अटेंशन के लिए हो रहा है, कि सरकार का ध्यान दबाव बनाने के लिए, हाँ सरकार का ध्यान खींचने के लिए हो रहा है, और गलत कुछ भी किन्हीं का सोच नहीं है, अच्छे सोच के लिए ही हो रहा है। आप कैसे अपनी बातों को रखेंगे? आप इंडिविजुअल जाते हैं तो आपको बीपीएससी ऑफिस घुसने भी नहीं दिया जाता है, इतना सारा चाक चौबंद व्यवस्था रहता है। तो कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाना चाहिए। हाँ, आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हो, उसमें किसी भी तरह की हिंसा का कोई जगह नहीं है, अपनी बात को अच्छे से आप रखिए, और आपके जो नेतृत्व करने वाले हैं निसंदेह मैच्योर पर्सन है, वो अच्छे से अपनी बात को रखेंगे, सिर्फ आपको दिखाना है कि हम आपके साथ हैं, और अगर इतना भी होता है तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से छात्र की बातें मानी जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर इतना भी होता है तो आपको लगता है कि फिर छात्रों की बातें मान ली जाएगी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे नवीन सर, कि दिलीप ने जो वीडियो जारी किया है
उसमें दो मांगे उन्होंने रखी है। ये वही दो मांगे हैं जो मुसलसल लगातार नवीन सर भी उठा रहे हैं। आपने भी कहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बदलना चाहिए, आप भी लगातार मांग कर रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन अब हम आपसे पहली मांग की बात करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि रिजल्ट से पहले वेरिफिकेशन होना चाहिए। आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? लगता क्या है, यही बात तो हम हमेशा रखते आए हैं कि कोई इंडिया का वैसा एग्जाम नहीं होता है कि जहाँ का इस तरह का प्रोसेस होता है। आप पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा ले लेते हैं, अपलोड करवा लिए, फिर कहते हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए, वाटरमार्क आ जाएगा, उसके आधार पर आप ज्वाइन कर लीजिए। अब बाद में ज्वाइन करने के बाद फाइनल वेरिफिकेशन होगा, ऐसा होता है क्या? अब बाद में जाकर के अभी देखिए ना, हर डिस्ट्रिक्ट में टीआरई टू में ही आप देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में 200 300 400 सीटें खाली हुई है। 38 जिले हैं बिहार में, आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए कितनी सीटें वैकेंट हुई। अगर ये पहले कर लिया जाता तो निश्चित रूप से ये अभ्यर्थी पहले ही बाहर हो चुके रहते, और इसके बदले में ये जो सीटें वैकेंट होती दूसरे कोई ना कोई बच्चे उस पे ज्वाइन करते। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, सरासर ये गलत है। आप प्रोसेस में जो वाजिब प्रोसेस है, आप तो दो एग्जाम अभी हुए, टीआरई वन हुए, टीआरई टू में, अब तक तो बीपीएससी को समझ में आ जाना चाहिए था कि इस प्रोसेस का क्या नुकसान है, क्या नुकसान है। तो प्रोस एंड कॉन्स तो आपको समझ जाना चाहिए, एकदम समझ जाना चाहिए। और अगर गलत है ये प्रोसेस से बच्चे खुश नहीं है या सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, सही न्याय बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से इस प्रोसेस में बदलाव होना चाहिए। नवीन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, समझ में ये नहीं, मुझे ही नहीं परीक्षार्थियों को भी अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर देर कहां हो रही है। ना अब तक आंसर की जारी हुआ है, ना अब तक ओएमआर शीट जारी हुआ है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है नवीन सर? ये जवाब तो आयोग, परीक्षार्थी पूछ रहे हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं ना हो रही। ये जवाब तो आयोग को देनी चाहिए, क्योंकि आपने आदत लगा रखी है छात्रों को कि एग्जाम समाप्त हुआ उसी दिन आपने ओएमआर जारी कर दिया, आंसर की जारी कर दिया। तो स्वाभाविक है कि जो आप डेमो दिखा चुके हैं छात्र तो एकदम चाहेंगे कि वैसा ही हो, लेकिन अभी आप देख लीजिए इतने दिन एग्जाम के हो गए हैं, एक्टिविटी पता नहीं चल पा रहा है कि वाजिब में चल क्या रहा है। इस बीच में बहुत सारे वैसे काम भी हुए जो नहीं होना चाहिए था, छात्रों को लगातार फोन जा रहा था, उनका डेटा बताया जा रहा था, शिक्षक भर्ती का डेटा लीक हो गया। तो एक संदेह अभ्यर्थी के मन में होना स्वाभाविक है। तो इसलिए करके हमको लगता है कि आयोग को निष्पक्षता पूर्वक ये जो भी संदेह, अब तक एक नोटिस भी नहीं जारी की, जो भी संदेह छात्रों के मन में उत्पन्न हो रहा है तो इसका जवाब देना चाहिए कि इस कारण से हमारा विलंब हो रहा है, ये मे बी की रिजर्वेशन प्रोसेस में जो बदलाव हुआ है उसके कारण हो, जो भी कारण है आप बताइए छात्रों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और बताइए कि संभावित इतने तारीख तक में हम आपका ओएमआर जारी कर देंगे, इतने तारीख तक में हम रिजल्ट आपका बना देंगे, जो भी प्रोसेस है। क्योंकि इससे पहले वाले चेयरमैन सर भी ये करते रहे हैं, एक डेट फिक्स करते रहे, अगर उसमें फिर थोड़ा आगे या पीछे होता है तो फिर उसका एक तो ट्वीट आपको करना है, उसके माध्यम से आपको सूचना देते रहिए। छात्र हमेशा ऐसा नहीं है, छात्र नहीं समझते हैं, मैं भी कुछ आपको आंतरिक परेशानी होगी, छात्र इस बात को समझेंगे, लेकिन कम से कम विधिवत ये सूचना तो आप दीजिए। छात्र पेशो पेश में है, अभी वैसे छात्र रिजल्ट का लगातार वेट कर रहे हैं जिनको लगता है कि हमारा एग्जाम अच्छा गया है, या किसी कारण से एक नंबर दो नंबर हो सकता है हमारा नहीं हो या हो जाए, उनको आगे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तैयारी करने में मन नहीं लग रहा है, उनको तो राहत महसूस होगी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, बीते दिनों भी हमने आपसे बातचीत की थी और आपने ऑन कैमरा कहा था नवीन सर कि हम लोग की एक बैठक होने वाली है, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के शिक्षकों की एक बैठक होने वाली है बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट से पहले। बैठक हुई, क्या कुछ निकल के आया? नहीं, बैठक नहीं हो पाई है, नहीं हो पाई है, उसके बहुत सारे कारण है और सभी छात्र भी समझते हैं इस कारण को कि एकजुट करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इंडिविजुअल अगर ठीक है, आप एकजुट नहीं कर सकते हैं, आज मान लीजिए छात्रों का नेतृत्व दिलीप जी कर रहे हैं, कम से कम उनका सपोर्ट आप कर दीजिए, बातें वही हो जाएगी, उनका सपोर्ट कर दीजिए। तो जो भी वाजिब काम है, छात्र हित में काम है, चूंकि छात्रों की आवाज आपको बनना ही चाहिए, चूंकि हमेशा से छात्रों को आप गाइडलाइन देते रहे हैं, अच्छी शिक्षा देते रहे हैं, उसी के बल पे छात्र लगातार रिजल्ट लेते रहे, तो ये भी आपका कर्तव्य बनता है, देखिए मैंने जिक्र किया बैठक की, और खबर ऐसे ऐसे आ रही है कि बीपीएससी की भी एक बैठक शिक्षा विभाग के साथ होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है उस मामले में? उसके बारे में अभी संभवतः कोई अपडेट नहीं है, अपडेट होगी तो आपको पता चलेगी, और इस तरह की बैठक होनी चाहिए। शिक्षा विभाग और बीपीएससी मिलकर जितनी जल्दी हो इस समस्या का समाधान निकालें। आप ओएमआर जारी कीजिए, आंसर की जारी कीजिए, रिजल्ट का प्रोसेस आप जितनी फास्ट हो कीजिए, इस ये छात्र हित में आपको ऐसा जल्दी से जल्दी करना चाहिए।